हेलो दोस्तों, क्या आपको भी थोड़ी दूर पर कोई भी व्यक्ति या वस्तु नहीं दिखाई देती है या क्लियर नहीं दिखाई देती है? कहने का मतलब यह है कि जैसे कोई कोहरा सा छाया हुआ है, धुंधलापन आपको नज़र आ रहा है। तो आज हम बात करेंगे कैटरेक्ट के बारे में। कैटरेक्ट क्या होता है और यह किसके कारण होता है, इन दोनों पॉइंट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मोतियाबिंद आँखों में होने वाली एक सबसे कॉमन बीमारी है जो कि लगभग 80% लोगों में पाई जाती है, क्योंकि यह बीमारी उम्र के साथ होने वाली है। जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, 40, 50 या 60 की उम्र में आप इंटर करेंगे तो आपको मोतियाबिंद का संस्करण 80% लोगों में आ ही जाता है। तो इसको लेकर हम बात करेंगे, क्योंकि कैटरेक्ट जो है इसके बारे में लोगों के मन में भ्रांतियाँ बनी रहती हैं। कैटरेक्ट सुन करके लोग डर जाते हैं और घबराने लगते हैं कि अब क्या होगा, हमारी आँख की रोशनी रहेगी या बचेगी या हमको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। तो ऐसे में लोग डरे हुए रहते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि कैटरेक्ट यदि आपको है या आपको शुरुआत है या फिर आपका कैटरेक्ट पूरी तरह से मैच्योर हो रहा है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैटरेक्ट का सर्जरी जो है बहुत ही सिंपल और सामान्य होता है। आप उसी दिन सर्जरी कराएंगे, उसी दिन अपने घर जाइए, अपने कार्य पूरी तरीके से उसी दिन से चालू कर सकते हैं। तो इसी को लेकर के हम बात करेंगे कि कैटरेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि कैटरेक्ट होता क्या है और होता कहां पर है, क्योंकि कई सारे लोग के मन में भ्रम रहता है कि आँख सफ़ेद हो गई है, सामने से छिटकी बन गया है तो उसे कैटरेक्ट बोलने लगते हैं। गाँव में जैसे कि कुछ लोग होते हैं, धुंधलापन नज़र आ रहा है तो भी उसे कैटरेक्ट का नाम देते हैं, कि या किसी को पढ़ने लिखने में समस्या हो रही है, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप या कोई चीज़ नज़दीक का काम कर रहे हैं पढ़ना लिखना वाला, तो ऐसे लोग भी डरते हैं कि धुंधला दिखाई दे रहा है हमको नज़दीक का तो हमें कैटरेक्ट हो गया है, हमें ऑपरेशन कराना पड़ेगा लग रहा है, या हमको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत है। देखिए, धुंधलापन का कई सारा कारण है। धुंधलापन का सबसे मुख्य कारण है कि रिफ्रैक्शन हो सकता है आपकी आँख में, चश्मे का पावर हो सकता है, उसकी वजह से भी धुंधलापन हो सकता है। दूसरा, मोतियाबिंद तो है ही है, मोतियाबिंद के केस में भी रोशनी धीरे धीरे घटती रहती है। तीसरा, आपके पर्दे में कोई समस्या हो सकती है तो भी आपको धुंधलापन नज़र आएगा। चौथा, आपकी कार्निया में कोई ओपेसिटी है या सफ़ेदी है तो ऐसे केस में भी रोशनी उतनी क्लियर नहीं होती है। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे कैटरेक्ट के बारे में कि मोतियाबिंद क्या होता है। तो दोस्तों, ये जो काला वाला भाग दिखाई दे रहा है कार्निया, इसके बगल में जो सफ़ेद वाला पोर्शन चारों तरफ है उसे स्क्लेरा बोलते हैं। इसके पीछे जो कलरफुल आर्गन है उसे आयरिस बोला जाता है। कार्निया का कोई अपना कलर नहीं है, आयरिस की वजह से वह ब्लैक या ब्राउन दिखाई देता है। तो उसी आयरिस के जस्ट पीछे एक हमारा क्रिस्टल लाइन लेंस होता है, उसी लेंस के थ्रू रोशनी हमारे पर्दे तक जाती है। जो कोई ऑब्जेक्ट हम देखते हैं तो आसानी से दिखाई देती है। तो उसे हम फिगर के माध्यम से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे कि लेंस कहाँ पर होता है और इसमें कैटरेक्ट बनता कैसे है। तो ये हम दो चित्र बनाए हैं, इसमें आप देख सकते हैं ऊपर का चित्र जो है और नीचे के चित्र में कुछ डिफरेंस होगा। लेंस को ध्यान से देखेंगे तो कुछ अंतर आपको नज़र आएगा। तो ये हमारा नॉर्मल आई है, नॉर्मल आई बॉल है। ये सामने वाला पार्ट जो काला वाला दिख रहा है ये कार्निया होता है। इसके पीछे जो गोल सा राउंड शेप में है उसे जो आयरिस है उसको इंडिकेट करता है। उसके पीछे ये जो कर्व शेप में है वही लेंस है। इसके पीछे जाएंगे तो ये हमारा पर्दा है। यहाँ पे कोई भी इमेज मान लीजिए हम देख रहे हैं, जैसे मोबाइल ही देख रहे हैं, तो वहाँ से लाइट हमारी जो आती है तो कार्निया, प्यूपिल और लेंस विट्रियस स्विमर के माध्यम से पर्दे तक पहुँचती है, तभी हमको वो चीज़ क्लियर दिखाई देती है। यदि जो ऑब्जेक्ट है उससे जो लाइट आ रही है हमारी आँखों पर वह पर्दे पर ना गिर करके पर्दे से पहले गिरे या पर्दे से बाद में गिरे तो वह ऑब्जेक्ट हमको क्लियर नहीं दिखाई देगा, ब्लर दिखाई देगा, धुंधलापन दिखाई देगा। तो इसी को हम समझते हैं। ये जो हमारा लेंस है इसमें किसी कारणवश सफ़ेदी आ जाती है, ओपेसिटी आ जाती है, प्रोटीन डिपॉजिट होने लगते हैं। एज के अनुसार जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो कैटरेक्ट
जैसा कि आपको हमने पहले बताया कि 80% लोगों में लगभग कैटरेक्ट आ ही जाता है, तो इसमें प्रोटीन डिपॉजिट होने लगता है, तो यह धीरे धीरे करके क्या होता है, सफ़ेद होने लगता है, ओपेक होने लगता है। जैसा कि ये दूसरे चित्र में आपको हमने दिखाया है, हल्का फुल्का इसमें रब कर दिया गया है। तो जब रब हो गया है तो लाइट क्या होती है, किसी ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं तो लाइट इस कॉर्निया के माध्यम से पिपिल के होते हुए लेंस पर पड़ती है, तो इसमें कुछ सफ़ेदी होने की वजह से पूरी की पूरी लाइट जो है पर्दे तक नहीं पहुंच पाती है, उससे पहले गिरने लगती है या पर्दे से बाहर चली जाती है, तो ऐसे में इमेज क्लियर नहीं दिखाई देता है। दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं लेंस में हल्का हल्का ओपेसिटी आई है, तो ओपेसिटी जितनी रहेगी उतनी रोशनी आपको कम पास होने देता है, जैसे कि यहाँ पे जो लाइट पड़ रही है वो उसको कुछ ना कुछ डिस्टर्ब कर देता है, पूरा पर्दे तक नहीं जाने देता है, जिससे क्या होता है कि इमेज आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, क्लियर नहीं दिखाई देता है, धुंधलापन नज़र आता है। इसके अकॉर्डिंग एक चित्र आपको हमने और बनाया है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारा सामने वाला पार्ट कॉर्निया हो गया, ये आयरिस हो गया, यही लेंस है और ये पर्दा हो गया पीछे का हमारा, पीछे यहाँ पे जल भरा होता है विट्रियस ह्यूमर। तो ये देख सकते हैं इस लेंस में, इस लेंस को हमने पूरा का पूरा ओपेक कर दिया है, रफ कर दिया है। तो जब कैटरेक्ट पूरी तरह से पक जाता है, यानी कि पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, तो बहुत सारी लाइटों को डिस्टर्ब कर देता है। देखिए ये पूरा हो गया है तो इसमें जो लाइट है हमारी लगभग 90% लाइट डिस्टर्ब होने लगती है, तो वह पर्दे तक ना जा करके पर्दे से पहले या पर्दे से बाद में गिरती है। कैटरेक्ट के केस में 90% केस में जो है पर्दे से पहले गिरती है, क्योंकि इसमें जो लेंस का पावर होता है वह इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, ये चीज़ धीरे धीरे लेंस जो है और ओपेक होता हुआ चला जाता है। तो एक समय ऐसा आता है कि रोशनी बिल्कुल भी नहीं रह जाती है, तो लाइट दिखाने पर या टॉर्च व्यक्ति को समझ में आता है या कोई बल्ब जल रहा है तो देखेगा तो पता चलेगा कि यहाँ कोई बल्ब जल रहा है, नहीं तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती है। जब पूरा का पूरा लेंस हमारा ओपेक हो जाएगा, ओपेसिटी उसमें पूरी पूरी आ जाएगी पूरे लेंस में, तो ऐसे केस में लाइट पर्दे तक नहीं पहुंच पाती है, रोशनी पूरी की पूरी ख़त्म हो जाती है। कैटरेक्ट के बारे में कि कैटरेक्ट होता क्या है और होता कहां पर है, तो दोस्तों कैटरेक्ट एक लैंग्वेज में यदि आप समझें तो लेंस में किसी प्रकार का क्लाउडीनेस या ओपेसिटी आना ही कैटरेक्ट कहलाता है। दूसरा, अब ये होता क्यों है, इसके मुख्यतः हम दो रीजन के बारे में बात करेंगे, रीजन तो ऐसे बहुत सारे हैं लेकिन मुख्यतः दो रीजन होते हैं इसके होने के, जो लगभग 90% कैटरेक्ट को कवर करते हैं। 90% केसेस में इन्हीं दो रीजन से ही कैटरेक्ट होता है या पाया जाता है। तो सबसे पहला होता है कि सेनाइल कैटरेक्ट, यानी कि एज के साथ होने वाला कैटरेक्ट, उम्र के साथ जो कैटरेक्ट होता है इसकी संख्या लगभग 80% है। 80% लोगों को एज के साथ में कैटरेक्ट होता है, कभी एक आँख में या कभी दोनों आँख में, एक आँख में कम या एक आँख में ज़्यादा भी हो सकता है, इसका कोई रेशियो नहीं है कि एक आँख में हो रहा है तो दोनों में भी हुआ होगा, एक में भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है, एक में ज़्यादा भी हो सकता है, एक में कम भी हो सकता है। दूसरा ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट होता है। ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट में क्या है कि कहीं आपको बचपन में एक्सीडेंट हो गया या गिर गए थे या चोट लग गई थी, या युवावस्था में कोई आप गेम खेल रहे थे, क्रिकेट, वॉलीबॉल या फुटबॉल, कोई भी गेम खेल रहे थे, ऐसे में आपकी आपको पे चोट लग गया है, तो धीरे धीरे करके लेंस में झटका लगने की वजह से ओपेसिटी आ जाती है, जिससे कैटरेक्ट बन जाता है। तीसरा एक मुख्य वजह यह भी होता है कि कंजनाइटल कैटरेक्ट होता है, कि जिसे आपके माता पिता में आपको भी होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये था कैटरेक्ट होने के कारण के बारे में। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैटरेक्ट क्या होता है और क्यों होता है, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था, तो अगले वीडियो में बात करेंगे कैटरेक्ट के क्या क्या लक्षण होते हैं, और उससे अगले वीडियो में बात करेंगे इसे कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है या इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, दवा से ठीक कर सकते हैं या सर्जरी से ठीक कर सकते हैं। अगर सर्जरी से ठीक होता है तो किस विधि से सर्जरी कराना सही है या कौन सा लेंस लगाना सही होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो रेड वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन आएगा उसको प्रेस कर लीजिए,
क्योंकि आँख से संबंधित वीडियो इस चैनल पर आती रहती है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।